हेलो एवरीवन। सो अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट वर्क है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमने इंडियन राइटर्स को कवर कर रहे हैं। हमने बहुत से इंडियन राइटर्स को कवर कर लिया है। अब हम अनीता देसाई जी को आज हम कवर करेंगे। साई, शी बॉर्न इन 1937। सो जैसा कि आप देख सकते हैं 1937 में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म जो है मसूरी में हुआ था, ठीक है। ये मसूरी में इन्होंने जन्म लिया है। इनकी मदर जो थी वो जर्मन की थी और इनके फादर जो थे बंगाली थे, ठीक है। इनके फादर का नाम था डी एन मजूमदार और इनकी मदर जो थी वो टी एन टोनी नाइन थी, ठीक है। सो इसके बाद में ये एक बंगाली फैमिली से है। मजूमदार फैमिली जो है उनकी ये डॉटर हैं और इनकी जो डॉटर थी उनका नाम था किरण देसाई, ठीक है। ये थी इनके बारे में बेसिक सी जानकारी। सो इनके ना एक नॉवल में एक आता है कैरेक्टर, एक जगह प्लेस का नाम आता है थल विलेज, ठीक है। इनके बहुत एक आप आगे देखेंगे नॉवल में एक थल नाम का एक जगह आती है। सो ये थल जो है ये यहाँ पर ये अपने फैमिली के साथ घूमने जाया करती थी, तो वहीं से ये इन्होंने पिकअप किया था, ठीक है। ये बेसिक मैंने आपको थोड़ा सा बताया। सो उसके बाद में अवार्ड मिले इनको, अवार्ड्स के बारे में हम बाद में जानेंगे। सो वर्क्स इनके कौन से थे, अब आइडेंटिफिकेशन आपको आ सकती है कि चार वर्क्स दिए इनमें से कौन सा अनीता देसाई जी का है कौन सा नहीं है, या फिर मैचिंग में आ सकता है आपको क्वेश्चन, इस तरह से आ सकता है, ईयर पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये जो है बेसिक जानकारी आ सकती है, ओके। या फिर बता देंगे कि बताए इसको क्रोनोलॉजी में लगाएं, जैसे कि पहले ये आया फिर ये वर्क फिर ये वर्क फिर ये वर्क, तो ऐसे उल्टा पुल्टा करके दे देंगे। आपको सही ऑर्डर में लगाना है वर्क, इस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इनकी जो राइट इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनकी समरीज आपको करके जानी है। सारे वर्क्स की नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास लिटरेचर में अनलिमिटेड जो है स्टोरी पोएम्स होती हैं, सो सबको नहीं कर सकते। बेसिक जानकारी सबकी रहनी चाहिए, प्लस जो इम्पॉर्टेंट हमारे वर्क्स होते हैं उनको हमने डिटेल में कवर करना होता है। सो दिस इज़ अ प्रोसीजर टू रीड एनीथिंग, ओके। उसके बाद में पहला वर्क था क्राई एंड द पीकॉक, दूसरा वॉइसेस इन द सिटी, थर्ड बाय ब्लैकबर्ड। आप अपने हिसाब से इसको कैसे भी याद कर सकते हो, स्टोरी बना लीजिए, कोई पोएम बना लीजिए, कुछ भी किसी भी तरह से याद कीजिए। द पीकॉक गार्डन, वेयर शैल वी गो दिस समर, कैट ऑन अ हाउस बोट, फायर ऑन द माउंटेन, गेम्स एट ट्वाइलाइट, क्लियर लाइट ऑफ डे, विलेज बाय द सी, इन कस्टडी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्लियर लाइट भी इंपॉर्टेंट है, बॉम गार्डन्स बॉम्बे, जर्नी टू अथाका, स्कॉलर एंड जिप्सी, फास्टिंग फिस्टिंग, ठीक है। अब आगे हैं इनके वर्क, डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज, जिगजैग वे, द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये हैं इनके वर्क्स। सो जो इनका लास्ट वर्क है वो है आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये इनका लास्ट वर्क है 2011 का, ठीक है। उसके बाद में अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए। सो क्राई एंड द पीकॉक, ठीक है, ये इनका पहला वर्क है जो कि 1963 में था। इसकी स्टोरी क्या है, इसमें एक कैरेक्टर है जो मेन हमारा माया, एक शो भी आया था आप वहाँ से भी याद कर सकते हो, ये भी उसी तरह का कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये अपने हस्बैंड को मर्डर कर देती है, बेहद आई थिंक वो सीरियल का नाम था। सो माया जो है अपने हस्बैंड को किल कर देती है, पर दो शी इज़ रिलीजियस और वो भगवत गीता से लाइंस जो है कोट करती रहती है, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल वर्क है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिसने मर्डर कर दिया ऑब्वियसली वो एक साइकोलॉजिकल कहीं स्थिति किसी मानसिक प्रतिरोधन से या किसी भी चीज़ से गुजर रही है। सो साइकोलॉजिकल फिक्शन है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि माया है जो वो अपने हस्बैंड की को मार देती है, लेकिन इसको इसके हस्बैंड का नाम भी यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके हस्बैंड का नाम है गौतम, ठीक है। इसके हस्बैंड का नाम क्या है, गौतम, माया एंड गौतम, एंड माया किल्ड हर हस्बैंड गौतम, दो शी इज़ रिलीजियस, ओके। भगवत गीता का इसमें कोट दिया गया है। उसके बाद में आता है वर्क जो हमारा वॉइसिस इन द सिटी। सो ये वर्क जो है 1965 में लिखा गया, इसमें थ्री सिबलिंग की स्टोरी है। ये थ्री सिबलिंग हैं, कौन कौन है, अमल, अमला कह लीजिए आप, फिर निरोध,
निरोध है, अमला है, निरोध है और मोनिशा है, ठीक है। ये तीनों की ये स्टोरी है और ये तीनों ही कलकत्ता में रहते हैं, ठीक है। बेसिक सी मैं आपको इसकी जानकारी दे रही हूँ अभी। उसके बाद में जो हमारा अगला नॉवेल है जिसके बारे में आपको बताऊँगी, बाय बाय ब्लैकवर्ड 1971, इसका बैकग्राउंड जो है वो इंग्लैंड का है। इसमें कैरेक्टर्स की सफरिंग्स दिखाई गई है, फीलिंग्स दिखाई गई है, ठीक है। इस बुक को 3 पार्ट्स में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अराइवल, पहले तो अराइवल, डिस्कवरी, फिर 3rd पार्ट जो रहता है वो है रिकॉग्नाइजेशन और एंड में डिपार्चर होता है। सो किस क्या क्या दिखाया गया है इसमें, इसमें अराइवल आप लिख लीजिए, अराइवल, डिस्कवरी एंड डिपार्चर की स्टोरी, डिपार्चर यहाँ पे लिख लीजिए, रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन आप लिख लीजिए पूरा। सो इस तरह की ये स्टोरी है, ठीक है। इसमें ब्लैकवर्ड जो है वो दिखाया गया है, ब्लैकवर्ड जो है वो इमिग्रेंट है, होम लंडन सेज गुड बाय, ठीक है। ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दिखाता है ऑफ द इमिग्रेंट्स एंड इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द एडजस्टमेंट डिफिकल्टीज द पीपल हु इमिग्रेट फ्राम इंडिया टू लंडन और एनी अदर कंट्री दैट दे फेस द प्रॉब्लम they face in that country, especially in the scenario of this novel it is England, okay. So it explores about the lives of the considering seeking a new identity in an alien society, okay. So isme jo hai dev ka character bhi ek dikhaya gaya hai, ओके। बाय बाय ब्लैकवर्ड में देव का कैरेक्टर है, तो जो देव आप लिख लीजिए चाहे तो, देव का कैरेक्टर है, तो जो देव है वो इंग्लैंड में जाता है और वो वहाँ पर आदित्य सेन जो अगला कैरेक्टर है जो इंग्लैंड में ऑलरेडी रह रहा है, आदित्य सेन के साथ में रहता है और आदित्य सेन की वाइफ का नाम है सारा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देव और सारा। देव आदित्य सेन के सर में रहता है, उसकी वाइफ का नाम है सारा, ठीक है। और वहाँ पर रेसिज्म की प्रॉब्लम देखता है, इसमें एक वर्ड आता है वॉग, ठीक है, रेसिस्ट पीपल को वहाँ पर वॉग कह के बुलाते हैं। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स को इसमें दिखाया जा रहा है। अगला जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है फायर ऑन माउंटेन, दैट इज़ रिटन इन 1977। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, फायर ऑन माउंटेन, ओके, फायर ऑन माउंटेन। ये अब क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, ठीक है। अब इसमें जो है एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी को दर्शाया गया है। अभी मैं इसकी कैरेक्टर्स आपको बता देती हूँ। नंदा कौल इसकी जो है मेन कैरेक्टर है, नंदा कौल, ये पूछा जा सकता है आपसे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नंदा कौल कौन है। और ये कसौली कि जो अनीता देसाई है ये बेसिकली मसूरी से बिलोंग करती है जो उत्तराखंड की तरफ पड़ता है, तो कसौली में इन्होंने ये कहानी सेट की है। और इसमें ये जो नंदा कौल है वो सिल्क की साड़ी पहनती है, कैसी कठोर है वो, अकेली रहती है, इस तरह की सिचुएशंस उसमें दिखाई गई हैं। उनकी डॉटर का नाम है, इनकी एक डॉटर है जिसका कि नाम है आशा, आशा इनकी डॉटर है, और इनकी एक ग्रैंड डॉटर भी है आशा की डॉटर जिसका नाम है राका, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर राका, ठीक है। और इसके मॉम जो डैड है जो आशा है वो जेनेवा में रहती है और इसको अपनी नानी के घर नंदा कौल के घर छोड़ गई है, ठीक है। और इसकी जो है, अब इसमें एक और कैरेक्टर है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ इला। इला इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, इला, ठीक है। इला एक और हमने अभी फ़िलहाल में एक किया है वर्क, उसमें भी इला कैरेक्टर थी, जो इला की मैरिज जो है निक के साथ होती है, ठीक है, दैट इज़ शेडो जो अमिताभ घोष का जो वर्क है उसमें वो कैरेक्टर है, ठीक है। सो इला, सो इला जो है स्मॉल है, इला जो है उसका रेप हो जाता है, और कौन करता है उसका रेप, वो प्रीत सिंह होता है, ठीक है। उसमें चाइल्ड मैरिज उसकी दिखाई गई है, सो इस तरह के कॉन्सेप्ट उसमें दिखाए गए हैं। ये जो है नंदा जो है वो मार्को पोलो की कहानियाँ भी पढ़ती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है जिगजैग, जिगजैग वे 2004 में। जिगजैग में क्या होता है कि अमेरिकन एक
अकेडमिशियन मतलब वहाँ पे है, और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मैक्सिको को रीडिस्कवर करता है, वो उसके साथ में घूमता है, ठीक है। सो इस तरह का वो जिगजैग वे एक स्टोरी है। उसके बाद में जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने कैट के ऊपर बहुत से वर्क लिखे हैं, दो से तीन वर्क इनके कैट के ऊपर हैं जो देखे गए हैं। अब इसको आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। एक तो ये देखिए, क्राय द पीकॉक और पीकॉक गार्डन, इस तरह से पीकॉक पीकॉक इस तरह से याद कर लीजिए। वॉइस इन द सिटी मैंने आपको बता दिया, इसमें तीन सिबलिंग की स्टोरी है। ब्लैकवर्ड में आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टोरी है। वेयर शैल वी गो दिस समर, इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप देख लेना कि लाइफ ऑफ सीता, सीता के बारे में कुछ कहा गया है इसमें। सो इसको हम जो है खुशवंत सिंह के वेयर शैल जो है एक वर्क है उनका भी करके, तो उससे शैल। तो कैट ऑन अ हाउस वुड, फायर ऑन द माउंटेन मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। गेम्स एट ट्वाइलाइट, क्लियर लाइट ऑफ डे, इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। क्लियर लाइट ऑफ डे जो है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। और द विलेज बाय द सी, इन कस्टडी अगेन इम्पॉर्टेंट है। इसमें इस्माइल मर्चेंट जो है उन्होंने एक मूवी बनाई थी और इसको प्राइज़ भी मिला था, सो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इन कस्टडी। जर्नी टू थाका, स्कॉलर जिप्सी, फास्टिंग फीस्टिंग, और ये जो डायमंड डस्ट है ये इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है। सो ये था कुछ इनके वर्क्स के बारे में शॉर्ट शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में इनके अवार्ड्स, सो इनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनको चूज़ किया गया था बुकर प्राइज़ के लिए, ऑल दो शी डिजंट गेट दिस प्राइज़। इनकी जो डॉटर थी किरण देसाई, उनको ये प्राइज़ ज़रूर मिला था लेकिन इनको अपने लाइफ टाइम में कभी नहीं मिला। साहित्य अकेडमी अवार्ड मैंने आपको बता दिया किस वर्क के लिए मिला। उसके बाद में इनको किस किस वर्क के लिए बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया, वो वर्क्स थे इन कस्टडी, फास्टिंग फीस्टिंग और माउंटेन। अब तीनों ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए क्योंकि इनको चूज़ किया गया है बुकर प्राइज़ के लिए, तो ये आप इनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में इनको पद्म विभूषण मिला 2014 में, ठीक है। फेलोशिप मिली साहित्य अकेडमी की 2007 में, एक फेलोशिप हमारी खुशवंत सिंह को भी मिली थी, ठीक है। और 2003 में इनको बेंसन मेडल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर का अवार्ड मिला। ब्रिटिश गार्डियन प्राइज फॉर विलेज बाय द सी, सो जो भी वर्क इनके जो आए हैं इसमें प्राइज़ में, ये हमारे लिए पढ़ने इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये है इनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन नीता देसाई जी की। आप सबको अच्छे से पढ़ेंगे और इनकी और भी विकिपीडिया पे जो है सर्च करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन है, और इसको इस तरह से हमने कवर करना है। थैंक यू फॉर दिस।